संसार के हर आदिवासी समुदाय या इंडिजिनियस पॉपुलेशन की अपनी आदि धर्म की तरह का धर्म है, और ये धर्म कतई हिंदू धर्म से उसका कोई भी मेल नहीं है। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कहीं कहीं कोएर्शन जो बोलते हैं उसके तहत, और दूसरे मतलब मेजर कल्चर के इंटरैक्शन के कारण कहीं कहीं आदिवासी समुदायों ने खुद से अपने आप को हिंदू करार किया। ये साउथ की बात है, तमिलनाडु वगैरह की बात, वहां के आदिवासियों की गति ये हो गई है, क्योंकि वहां उनका गैर आदिवासियों के साथ इतना ज्यादा हेल मेल जोल हो गया कि शायद वहां वो लोग भूल गए हैं। परंतु जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत की के आदिवासी समुदाय हैं, उनके तो अभी 40-50-60 साल पहले तक बहुत हर परिवार के लोग अपने आदि धर्म के ही अनुयायी थे। और जो भी कि झारखंड में केवल 150-160 वर्ष हुआ है क्रिश्चियनिटी का, और सारे आदिवासी मध्य भारत के सारे आदिवासी समुदाय क्रिश्चियन नहीं है, मेजॉरिटी अभी भी गैर क्रिश्चियन हैं। फिर भी जो, और बहुत से लोग अभी प्रैक्टिसिंग सरना हैं, फिर भी उनको ये बोला जाता है कि आप हिंदू हैं, या जो क्रिश्चियन हुए थे और उनकी घर वापसी की जा रही है तो उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तो फिर से कन्वर्शन वाली बात हुई। ये घर वापसी तो अगर होते तो अपने ही आदि धर्म में या फिर अपने ही सरना धर्म में उनको आना चाहिए था। और तीसरी, जब हम कोई भी भारतीय बड़े दंभ के साथ बोलते हैं कि मैं फलाना जात का हूं, अपनी जाति या अपने कुल का ये करते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, तो आदिवासी लोगों को भी उतना ही घमंड के साथ ये अधिकार होना चाहिए कि मैं बोल सकूं कि मैं सोनाझरिया मिंज एक उराव हूं। परंतु नहीं, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना तो आदिवासियों का के बारे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पुस्तकों में है, एजुकेशन करिकुलम में है, बच्चे पढ़ते नहीं। एक बिरसा मुंडा के बारे थोड़ा सा आधे पेज का की चर्चा ही होगी तो कैसे बिरसा मुंडा के प्रति घमंड हो बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, या दूसरों के प्रति। इस तरह से हमारे, आप बिरसा मुंडा के ही कॉन्टेम्प्रेरी रहे थे, एक खासी फ्रीडम फाइटर, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। परंतु आप किसी खासी से पूछ कर देखे, वो बतला सकते हैं। पर तो इस तरह से हिस्ट्री में या हिस्टोरिकली आदिवासियों के अस्तित्व को किनारे रख के, मार्जिन के भी बाहर रख के, उनको उनके अस्तित्व के लिए शर्म महसूस करने की जो नीति रही।